नमस्कार, सीजी संदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राम कुमार नायक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इसी बीच निर्वाचन आयोग की मुख्य जिम्मेदारी यह रहती है कि आचार संहिता लगने के बाद कैसे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाए और जो विज्ञापन लगा रहता है, चाहे वो शासकीय विज्ञापन हो या फिर निजी विज्ञापन हो, उसको 24 से 48 घंटे के भीतर में उसको मिटाना रहता है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो दीवार है इसमें जो सराईपाली के जो विधायक हैं किस्मत लाल जी का यहाँ पर ये विज्ञापन है, जिसमें गौमूत्र खरीदी का और जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का इसमें बखान है। यह ये जो स्थान है, जगह की अगर बात की जाए तो यह भौंरपुर से सराईपाली जाने वाली मार्ग है और यह यहाँ पर पास में ही मेरे ठीक सामने में केंद्रीय विद्यालय भी बन रहा है। यहाँ पीछे मेरे पीछे यहाँ पर अटल आवास है। तो आप इस जगह को अब जब भी इधर से गुजरेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह जगह कौन सी जगह पर है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का इसमें बखान है, नारे लगाए गए हैं और जो सराईपाली के जो विधायक हैं किस्मत लाल उनका भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। अभी हाल ही में आपने खबर भी पढ़ी होगी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके जनता कांग्रेस जोगी कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। लेकिन आप तस्वीरों में अभी भी देख सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस से जरूर नाता तोड़ लिया है, लेकिन दीवालों पर आज भी सराईपाली विधायक किस्मत लाल जी कांग्रेस के साथ में है, यानी पंजा छाप आज भी दीवालों में उनके साथ में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आचार संहिता लगने के बाद भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से जो लापरवाही सामने आई है उसको लेकर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, जिम्मेदारों को किस प्रकार का इसमें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।